नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, यूपी टेट 2019-20 जी हाँ, कामन अंकों को लेकर जो स्टूडेंट्स एक और दो नंबर से रुक रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यानी 15 अप्रैल की बिल्कुल बड़ी खबर होने वाली है छात्रों के लिए, आई बड़ी खुशखबरी। तो चलिए क्या है इन्फॉर्मेशन आपको सामने लाइव इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज लाता हूं। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को अपने मित्रों के साथ कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर हेडलाइंस लिखी गई है, यानी अदालतों में इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ी और राहत की खबर आप लोगों के लिए है, और अदालतों में इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, तो इससे आपके क्या फायदे हैं चलिए आपको पूरी पहले खबर बता देते हैं, उसके बाद आपको सब बताते हैं। जी हाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, लंबे लॉकडाउन को देखते हुए अदालतों में गर्मियों में होने वाले लंबे अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं, अब अदालतें मई जून में पूरी तरह से कार्यरत रहेंगी। NGT और दिल्ली उच्च न्यायालय तथा देश के कई उच्च न्यायालय ने ये अवकाश निरस्त कर दिए हैं, और शीर्ष अदालत से मांग की जा रही है कि वह भी गर्मियों के अवकाश रद्द कर दें। बार एसोसिएशन और AOR के शीर्ष अदालत से आग्रह किया है, और इस बार ग्रीष्म अवकाश न लागू करें। शीर्ष अदालत ने करीब 1.5 माह का अवकाश होता है जो मई से शुरू होकर पूरे जून भर जारी रहता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन संभावना यही है कि शीर्ष अदालत भी अवकाश रद्द कर देगा। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आती हुई है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे कॉर्नर में कि शीर्ष अदालत 1 माह से बंद था, जो महामारी के कारण शीर्ष अदालत 1 माह से बंद है और उससे सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई से हो रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये अदालतें जो बंद थी आपकी वो बिल्कुल अब खुले वाले हैं, और आप लंबी दिनों तक चलेगी, अब आपकी छुट्टी कोई भी नहीं होगी, यानी कि आप लोगों का लॉकडाउन होगा, फिर भी लॉकडाउन का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अदालतों का, और आप लोगों की कामन अंकों की सुनवाई बहुत ही जल्द होने की संभावना है और आपको मिलेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेट थे कि 1-2 महीने और लंबे लॉकडाउन आ रहा आगे जाएगा तो सर हमारे लोग की सुनवाई नहीं होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब आपके जो उच्च न्यायालय की छुट्टियाँ होती थी वो भी रद्द कर दी गई है, अब आपके लंबे अर्थ से जो चली आ रही कामन अंकों के लेकर वो सुनवाई आपकी पूरी होगी और आपको सभी को कामन अंक मिलेगा, और यह बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोग के लिए है। ठीक ना दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि 2-3 नंबर जो से स्टूडेंट्स रह रहे थे, 3-4 नंबर थे उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। लखनऊ अदालत जो लखनऊ हाई कोर्ट है वहाँ से आप लोग को 1-2 नंबर कामन अंक मिल चुका है, मैंने मोहर लग चुकी है, संस्कृत में असनी शब्द और भारत में थाउजेंड याद कहाँ निवास करती है, ऐसे क्वेश्चन पे वहाँ पर भी कामन अंक को लेकर मोहर लगा दी गई है। बसरते यही है कि आप लोगों को जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनके मिल जाए और आप लोगों के लिए कामन अंक पर बढ़िया से खुशखबरी आ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके बीच में मैं लेके आपकी उपस्थित होता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।